नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। रमजान के पाक महीने में आजमगढ़ जिले के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के अहिरौली गांव में मस्जिद में एसी चालू करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और हवाई फायरिंग के मामले में पुलिस की हिला हवाली से परेशान लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे आधा दर्जन घायलों का आरोप है कि उनके गांव के ही अहिरौली में मस्जिद स्थित है, मस्जिद में एसी लगी है। आरोप है कि गांव के प्रधान असदुर रहमान नमाज के दौरान जब ये लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे तो रंजिशवश एसी को बंद कर देते थे। इसी को लेकर सोमवार की रात प्रधान ने नमाज पढ़ने से मना कर दिया और एसी को लेकर बहस करने लगे। जब ये लोग बाहर निकले तो पहले से प्रधान के आदमियों ने उनकी लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला करके पिटाई कर दी और फायरिंग भी की, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए और गोली लगने से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बावजूद इसके पुलिस उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है बल्कि हीला हवाली कर रही है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नहीं, ये गांव के प्रधान जो है एसी किरणजी से लेके एसी चालू करते थे, बंद करते थे। जहाँ बोलते थे मेरी पार्टी जहाँ रहेगी वहाँ एसी चालू रहेगी, दूसरी पार्टी हम लोग थे तो हम लोग की एसी बंद करते थे। नियत तोड़ तोड़ के जो है एसी हम लोग के आगे बंद कर देते थे। पहले से व्यवस्थाओं किए थे मार झगड़े करने के लिए, वो बोलते थे कि चलो पहले फाइनल हम लोग कर लेते हैं। ये हुआ कि नहीं चली नमाज़ पढ़ने की वजह से ये क्या हुआ, कैंसिल करके और तुरंत बोले कि पहले फाइनल होगा। पर उनके बाहर आदमी लगे हुए थे, उसके बाद ये बाहर निकले, तुरंत मारी पीटा शुरू कर ली और हम लोग ऐसे ही अभी नमाज पढ़ कर निकले थे, कुछ पता नहीं था कि मार करेंगे क्या करेंगे, यही शुरुआत है उनकी। लाठी के साथ साथ कट्टा बंदूक सब चला वहाँ। घायल, हाँ, बदरुद्दीन घायल हुए। पुलिस से मिले तो पुलिस तो कुछ हम लोग की सुनवाई नहीं कर रही है।